क्या हुआ? इतना घबराई हुई काय लग रही है, क्या दिक्कत हो गई? जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमें उस बेचारी बच्ची की चिंता हो रही है, क्या पता सुमुखी सच में गायब हुई हो। फिर मुर्गे की वही टांग, सुबह से एक ही खटराक गा रही है। पुष्पा जी वो नहीं भागी है कहीं, हमारे लिए केस निपट चुका है, खत्म हो चुका है ये केस, ओवर। समझ रही हमारी बात को? हम उसकी माँ की चाल है ये, फिर से फंसाएगी वो मास्टर जी को, उसी ने गायब किया है। भगवान करे बस ऐसा ही हो। हाँ ऐसा ही होगा, आप इतना लोड मत लीजिए, आप चाय पीजिए। बदनाम, पुष्पा जी के लिए चाय भेजो। आया मैडम, बदनामी स्पेशल चाय लेके। हाँ एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, महिला पुलिस थाने वालों को लगता है कि सुमुखी और उसके मॉम नाटक कर रहे हैं और अभी उनका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और तुम्हारे वो महिला थाने वाले, कितना आसान है ना तुम लोगों को बेवकूफ बनाना। अब कौन विश्वास करेगा तुम पे और तुम्हारी माँ पे? कौन मानेगा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है और वो भी मैंने किया है? हमें भी मिलवा दो उसे, बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपको एड्रेस ही दे देती हूँ ना। निशा को ये पता चल गया था कि करिश्मा सिंह तुम्हें और तुम्हारी माँ को लाली माँ के पास भेज रहे, और ये बात निशा ने मुझे बताई। हेलो राहुल, इनका प्लान सुनो। आज रात तुम अपने टीचर के कोचिंग क्लासेस जाओगी, उनसे माफी मांगने का नाटक करोगी। जैसे ही तुम दोनों अकेले होंगे, वहाँ की लाइट फिर से चली जाएगी। आपने सही कहा था मैम, उसने फिर से हमें एक दूसरी जगह लाइट ऑफ करने को कहा है। और फिर मैं भेष बदल कर वहाँ पहुँच गया ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हारा किडनैप कर लूँ। Yes, it's me, Yora. उस मास्टर को तो तुम्हारे थाने वालों ने बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैडम मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए, उसका कुछ पता चला, उसकी कुछ खबर आई, मैडम प्लीज उसे ढूंढिए। देखिए क्या कर रहा है जीती, करिश्मा मैडम ने कहा है ना कि बस बहुत हो गया, इनको और एंटरटेन नहीं करना है, इनका बहुत हो गया तमाशा। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बच्ची 25 घंटों से घर नहीं आई है, पता नहीं किस हालत में होगी वो। अरे कोई माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे झूठ बोलेगी क्या? अब समझ में आया भरोसा खोने का अंजाम क्या होता है? लेकिन मैडम मेरा यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बच्ची सच में किडनैप हुई है, आप लोग उसे ढूंढिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं करती हूँ आपका यकीन, मेरी ह्यूमन कैलकुलेशन कहती है कि आपके सच बोलने के चांसेस 75% है, इसलिए आपका यकीन भी करना चाहिए और आपकी रिपोर्ट भी लिखनी चाहिए। आप लिखिए मेरी रिपोर्ट, प्लीज आप लिखिए। आपकी बेटी मिल जाएगी, यहाँ सब मिल जाते हैं, अभी आप जाइए, हम आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे। क्या कर रही हैं आप मीरा मैडम? आप एक मशीन है, आप ऐसे प्रोमिसेस नहीं कर सकती, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मेरे सॉफ्टवेयर को तो आप ह्यूमंस भी समझ नहीं आते, फिर भी मैं यहीं पे हूँ ना आप सबके बीच में। संतु जी लपेटे में हम लोग को बकलोल तो नहीं बोल रही हैं? और मैंने उन्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया है, मैंने सिर्फ उन्हें तसल्ली दी है जो ह्यूमंस आम तौर पर एक दूसरे को देते हैं, आप इसे झूठ का ही एक रूप मान सकती हैं। झूठ बोलना भी सीख रही हूँ, बहुत जल्द वो भी बोलने लगूंगी। मैडम देखिए कहा है कि इस बार जो हम कहना चाह रहे हैं ना आपसे, टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, प्लीज अपना काम कीजिए। गजब यार गजब, ये हैंग कैसे होती है? शर्मा जी आप? मैडम जी हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। मुझे लगता है कि शालिनी जी इस बार झूठ नहीं बोल रही हैं। उन्हें वाकई में नहीं मालूम कि उनकी बेटी कहाँ और किस हालत में है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? शालिनी जी मेरे पास आई थी, वो काफी परेशान थी, बहुत रो रही थी, माफिया मांग रही थी मुझसे, उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए काफी शर्मिंदा थी। मैंने भी दुनिया देखी मैडम, इस बार वो झूठ नहीं बोल रही हैं, सुमुखी वाकई में गायब है। हे भोलेनाथ, ठीक है अगर ऐसा बात है तो हम पता करते। पुष्पा जी आप अपने खबरियों से गुमशुदगी का पता लगाइए। कोई तो चीज है, कोई तो एंगल है जो शायद हम देख नहीं पा रहे हैं, इसे किसी और नजरिए से देखने की जरूरत है। हो सकता है कि सब के पीछे कोई और हो, जो इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो सकता है कि शायद गुनहगार कोई और ही हो। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि हो सकता है इस मामले में गलती किसी और ने की और फंस कोई और गया है? हाँ,
हमें ऐसा ही लगता है। अगर हमें जो लगता है वो सही है, अगर ये काम किसी और का है, तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इस माँ बेटी पर अब कोई भरोसा नहीं करता, ना पुलिस ना ही दुनिया। अब कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई उनकी बात मानेगा नहीं। पर हो सकता है कि ये शख्स जो कि असली गुनहगार है, इस पूरी बात का फायदा उठा रहा हो। अब तो हमको भी लग रहा है मैडम सर, आप सही कह रही है। ये जो कोई भी है ना, इसने किसी और की कढ़ाई में पकवान तला है। तो आँच और घी किसी और का और स्वाद वो इस काले चोर का। ठीक है करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि अब इस केस के मामले में आपको सही एंगल मिल चुका है। इसी तरीके से सोचिए, हम फोन रखते हैं, हमें बहुत काम है। मैडम सर धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। करिश्मा सिंह, हमने आपको कोई रास्ता नहीं दिखाया है। रास्ता भी आपका, मंजिल भी आपकी, हमें बस अपना सारथी समझिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कौन हो सकता है, कौन है ये टोपा आदमी? हाँ जी पुष्पा जी, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी आपको ये पता लगाना है कि सुमुखी या उसके माँ के जो आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं, उसमें से किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई मन मुटाव तो नहीं है। आपको इस बारे में पता लगाना है अभी तुरंत। ठीक है, हम आपको बाद में फ़ोन करते हैं। सुमुखी के दोस्तों से तो हम पता लगाते हैं, राहुल को फ़ोन करते हैं, क्योंकि राहुल जो है वो सुमुखी के सारे दोस्तों को जानता है। एक बात नोटिस की आप लोगों ने? किया ना संतोष जी, किए हम। कि आपका चेहरा का जो चमक है, जलाल है, आज कुछ ज्यादा ही है। और पिछला कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा चमक रहा है आपका चेहरा, क्या लगा रही हैं आप? चीते तुझे पता है, सुनने वाले के कान पक गए तेरी घिसी पिटी लाइन सुन सुन कर। चीते कुछ अगर नया बोलना चाहता है ना तो बोल, बिंदास बोल, लेकिन अगर यही रिपीट कर रहा है ना तो चुप रहे, वो ज्यादा बेटर है। नया सुनना है आपको, सुनाएंगे हम, इंतजार कीजिए। हां तो मैं ये बोल रही थी कि कल रात को शर्मा जी के केबिन में जब लाइट गई थी, तब ये लड़की थी वहां सुमुखी की मम्मी के साथ, और यही है वो लड़की जब 31 की रात को पार्टी हुई थी, इसी ने लाइट बंद की थी। तो हो ना हो निशा का इस केस में जरूर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक, अगर सुमुखी की किडनैपिंग हुई है, जो कि मेरे हिसाब से हुई है, तो फिर किडनैपर्स ने ये प्लान पहले से बनाया होगा। और अगर उन्होंने ये प्लान पहले से बनाया होगा, इसका मतलब उन्हें हमारा स्केड्यूल पता था, उन्हें ये पता था कि हम उस समय वहाँ उस कैबिन में मौजूद होंगे, इसलिए वो भी वहीं थे, छुपे हुए थे। लेकिन कैसे, उन्हें ये कैसे पता था कि हम वहाँ पे मौजूद होंगे? क्या हम में से कोई उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है? ये कौन गणित भिड़ा कर आप ऐसे बोल रही हैं मैडम? ओके, इस वीडियो में एक और बात दिखाई देती है कि ये जो लड़की इस वीडियो में दिखाई दे रही है, ये सुमुखी की किडनैपिंग अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इसमें उतना फिजिकल पावर नहीं है ये अकेले उसकी किडनैपिंग करे। इसके साथ जरूर एक और पार्टनर होगा जिसने सुमुखी को बेहोश किया और फिर उसे किडनैप किया। और एक और बात नोट करने वाली है, ये जो कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज है, जब सुमुखी की किडनैपिंग होती है तभी उसी समय लाली माँ ने जिन औरतों को भेजा था उनमें से भी एक औरत गायब थी। ध्यान से लाइट जाने से पहले और लाइट जाने के बाद की फुटेज देखो। करिश्मा सिंह को शर्मा सर की बात पर यकीन हो गया है कि सुमुखी का किडनैप हुआ है, इसलिए हमें सारे सबूत मिटाने होंगे जो करिश्मा सिंह को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सुमुखी का करना क्या है? ये तो बहुत जल्द वायरल होने वाली है, दुनिया भर में बस इसी के फैंस होंगे, हर कोई बस इसी का दीवाना होगा। मुझे ब्लैकमेल करने चली थी, अब देख मैं तुझे कैसे ब्लैकमेल करती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे दोस्ती में धोखा देने का? हम दोनों मिलकर तेरी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज आई एम वेरी सॉरी, प्लीज। अगर करिश्मा सिंह को तुम पर जरा सा भी शक हुआ ना तो ट्रस्ट मी, वो तुमको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। उसके बाद क्या होगा तुम दोनों को अच्छे से पता है, छोड़ेगी नहीं तुमको, वो सारा शहर करिश्मा सिंह का भौकाल जानता है। करिश्मा सिंह को कभी मुझ पर शक हो ही नहीं सकता, वो तो कब का मुझे क्लीन चिट दे चुकी है। इसका मुंह बंद कर। हेलो
राहुल, हाँ वो हमें ना तुमसे मिलना था। महिला थाना के सामने बदनाम चाय वाला है ना, वहाँ आ जाइए। क्या सुमुखी गायब हो गई? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये मेरा गाना बहुत ही हिट था, पूरा सुना? अबे पूरा सुना ना, चाय फ्री में दूंगा। हम तुम्हें कुछ फ्री में दे अभी। तुम क्या कह रहे थे? आई एम श्योर ये उसका कोई नया प्लान है, सुमुखी गायब होने वाली चीज है ही नहीं। यही तो हमको लगा, फिर भी हमने तुमको बुलाया कि भाई एक बार जो है। भैया तुम जो हो ना, तुम सुमुखी के बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम उसको प्रपोज करने वाले थे तो उसके बारे में काफी कुछ जानते भी होगे, है ना? अगर सुमुखी कभी ऐसा सोचे कि भाई मतलब कहीं एक दो दिन के लिए शांत एकांत जगह चली जाए तो कहाँ गायब हो सकती हो? कुछ आइडिया है तुमको? हो सकता है वो रिचा के यहाँ गई हो, रिचा उसकी बैचमेट। नहीं नहीं नहीं, साक्षी के यहाँ। पर नहीं, साक्षी के यहाँ तो सब होते। मैडम हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट आए जी। पुष्पा जी, शर्मा जी के केबिन में वो एक औरत जो लाइट आने से पहले नजर आ रही थी और लाइट आने के बाद वहां से गायब हो गई थी, उस औरत का पता चल गया। क्या बात करी है? हमने उसका फोन नंबर ढूंढ निकाला, उसके साथ बात की, तो पता है उसने क्या बताया? क्या बताया? उसने बताया कि हमने लालिमा के दरबार में उसके भक्त बनने के लिए जिन औरतों को बुलाया था वो उसमें से एक थी, मगर एक लड़के ने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो लड़का खुद साड़ी पहनकर उसकी जगह पे खड़ा हो जाए। मतलब ये कि सुमुखी का अपहरण हुआ है और उस लड़के ने किया है जो वहां पहले से मौजूद था साड़ी पहनकर। कौन है ये? पता चल गया हमें अपहरणकर्ता के बारे में पता चल गया। आप एक काम कीजिए, आप शर्मा जी को जल्दी बुलाइए और सुमुखी के जो बाकी दोस्त हैं उनके बारे में तफ्तीश कीजिए। पुष्पा जी। हाँ जी। चलो चलो जल्दी निकलो, करिश्मा सिंह आती होगी। इंजेक्शन दे दिया ना? हाँ, अब ये घंटों तक होश में नहीं आएगी। हमने आप दोनों को इसलिए बुलाया है कि सुमुखी तक पहुंचने की लीड मिल गई। अच्छा सर, आपने कहा था कि सुमुखी और उसके दोस्त कॉलेज बंक करके अक्सर कहीं मौज मस्ती करने जाया करते थे और आपने उन सबको एक दिन पकड़ा भी था। जी हाँ, पकड़ा था। आपको वो जगह याद है कहाँ पकड़ा था और उसके साथ कौन कौन थे? जी हाँ जानता हूँ, मैंने उन सारे बच्चों को राहुल के डैडी के फार्म हाउस पे जो कि बल्लीपुर में है पकड़ा था। राहुल? और बाद में पता चला कि वो सारे लड़के कॉलेज बंक करके वहीं टाइम पास करने जाया करते थे। अच्छा, करिश्मा जी हमको लगता है आपको राहुल ना बल्लीपुर रोड पर उसके पापा का फार्म हाउस है वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि शर्मा सर बता रहे थे राहुल निशा उनके सारे दोस्त वहीं पे जाते थे कॉलेज बंक करके मटर कस्ती करने के लिए। जी मैडम, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। आप इत्मीनान रखिए, वो मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैया की सासू मैया, तुम हमारे हाथ से नहीं बच के जाओगे, तुम्हारी तो आओ अम्मा। चीते चीते, मीरा और संतू को बोलो कि शहर से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता, उसको तुरंत ब्लॉक करें। हाँ, और कुछ भी गड़बड़ नजर आए किसी भी गाड़ी में सबको रोक दे और सबकी तलाश ले। हाँ, हम भी वहीं पहुंचे। ये कबूतर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझ रहे आप हमारी बात को? हाँ चलो जय। चेहरा दिखाइए। रुको, हम
कितना शर्मिंदगी का बात है एक औरत होने के नाते कभी सोचा आपने? आप जैसी ना समझ औरतें जो इतना आसानी से किसी भी मर्द पर इल्जाम लगा देती हैं और फिर उतना ही आसानी से बोल देते कि हाँ हमसे गलती हो गया, उस गलती की वजह से आपको पता सामने वाले पे क्या बीतती है, कभी सोचा इसके बारे में? उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है, उसके घर वालों के सामने ना उनकी नजरों में गिर जाता है वो आदमी, और फिर उसके घर वाले अलग बाकी सबके नजरों में गिरते हैं, वो बात अलग। हमारे देश में औरत को देवी माना जाता है और जहां तक हो सकता है उसे वो मान वो सम्मान मिलता भी है। कोई भी औरत बीच सड़क पर खड़ी होकर किसी मर्द की तरफ उंगली उठाकर बस एक बार भी कह देना कि इस मर्द ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, हजारों हाथ खड़े हो जाते उसे सबक सिखाने के लिए। हमारे संविधान में औरतों के लिए विशेष अधिकार रखे गए हैं, कई अलग और सख्त कानून हैं, इतने सख्त कि कोई आम आदमी नाम लेने से भी कांपेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि सुमुखी जैसे नासमझ लड़कियां और कुछ औरतें हैं जो औरत होने का गलत फायदा उठाती है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं। और इससे क्या होता है, वो औरत जिसके साथ सच में कुछ गलत हुआ हो, वो औरत जिसको सच में हमारी मदद की जरूरत हो, वो जगह जहां पर औरत नहीं मर्द गलत हो, वहां पर भी हम औरत लोग को ना सख्त निगाह से देखते हैं। पता नहीं कहीं ये अपना विमेन कार्ड खेल रही है, इस मर्द को फंसाने के चक्कर में अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है, समझ रही हैं? वही है ना, वही भेड़िया आया वो कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पर जब भेड़िया सच में आता है तब मदद के लिए कोई नहीं आता है, और वही हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद का भरोसा खुद ही खो रहे हैं, खुद के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अम्मा देखिए, औरत हो या मर्द हो, दोनों का इज्जत दोनों का सम्मान बराबर का होना चाहिए। घुसा भेजे में कुछ आपके? हाँ मैडम जी, हमें सच में माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा सर, आप भी हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है सर। सॉरी मैम, आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैडम आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सैल्यूट। हेलो मैडम, हमें बचा लीजिए मैडम, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं मैडम। कौन? वो सब बताने का टाइम नहीं है मैडम, प्लीज हमें बचा लीजिए आप। कहाँ मैडम सर, आप भी, आपको भी हम ही मिले हैं खींचने के लिए। हाँ तो आपने हमें पहचान ही लिया करिश्मा सिंह। मैडम सर पहचान लिया मतलब, अब हमसे क्या छुपाएंगी आप? आप सात आसमान दूर छुप जाएंगी ना, वहां से भी आपको खोज कर ले आएंगे। पर एक रिक्वेस्ट है मैडम सर आपसे, आप ना ऐसा मजाक हमारे साथ मत कीजिएगा, क्या हम थोड़ा सेंसिटिव है आपको लेके, आप हमें मदद के लिए पुकारती हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। अच्छा बाबा सॉरी, आज के बाद ऐसा मजाक हम कभी नहीं करेंगे। वैसे मैडम सर आप कब वापस आ रही हैं? बहुत जल्द, हमारा काम यहाँ बस खत्म ही होने वाला है। क्या बात, क्या हुआ करिश्मा सिंह? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कांच का ग्लास पड़ा था पानी का, वो हमारे हाथ से ऐसे गिर गया, वो टूट गया। वैसे जानती है अभी पुष्पा जी यहाँ होती तो क्या होता, बवंडर मच जाता, बोलती हे भगवान इतना बड़ा शुभ हो गया, कोई विपदा आने वाली है, ऐसा करके बोलती। हाँ वो तो है। हेलो मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह, हेलो 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 करिश्मा सिंह, हेलो नेटवर्क। क्या हो गया हमको पता नहीं, आजकल कुछ भी थोड़ा सा होता है तो ऐसा अजीब सा हमें बेचैनी होने लगता है। मैडम सर प्लीज जल्दी वापस आ जाइए, आपके बिना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है हमको।